उठी वो हूँ बत्ती आ गई है तो धुप तुहानू आई खड़ी उठी वो रोटियां खावो अंदर चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा उठ जाओ। ठंडा ठंडा कपड़ा मुंह पे मुंह। चलो आपकी गुड़िया भी उठ गई फातिमा। चलो उसे भी उठा दो, उसे कहो खाना खा ले दोपहर। आज मुंह धोया पहले ठीक है। ये जूता पहन। जूती पाला फातिमा इधर पड़ा ना पे जूती। चलो आप पानी वाले टैप पे चलो उधर जाके मुंह धोते हैं। अपनी गुड़िया का धो। ठंडा ठंडा पानी। चलो अब गुड़िया का धो। कपड़ा चला गया यार। गर्मी। अच्छा चल आ जाओ मैंने तो धो लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से जबरदस्त हूँ। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें, और जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुमामीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अभी सख्त दोपहर का टाइम है, पहले हम सोए हुए थे। दोपहर को हमारे सोने की भी रूटीन होती है क्योंकि अब गर्मियों के मौसम में माशाल्लाह से दिन काफ़ी बड़े होते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है दोपहर को कि कोई काम हो ही नहीं पाता। तो फिर हम सो गए थे, लाइट भी नहीं थी, इधर बाहर ही सोए हुए थे। माशाल्लाह से इतने प्यारे दरख्त लगे हुए हैं, हमारे छांव है, तो जिनके घर छांव नहीं होती उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला बनता है, लेकिन हमने लगाए हुए हैं दरख्त। तो इधर ही हम सोए हुए थे, अभी इधर थोड़ी सी धूप आ गई है, अम्मी जी ने हमें उठाया है और खाने का भी टाइम हो गया है। अभी फातिमा और मैं खाना खाएंगे। फातिमा आंटी से पूछो खाना खाना है आपने? आंटी खाना खाना है तो हमारे पास आ जाओ। हमारे पास आ जाओ। चलो भूख लगी है, चलो खाना खाएं। और फातिमा की गुड़िया जो है ना वो भी हमारे साथ साथ ही सोती है, साथ ही उठती है और साथ में खाना भी खाती है ना फातिमा। चलो इसको भी ले चलो अंदर। चलो मोबाइल। इसका मोबाइल। अच्छा ये फातिमा की गुड़िया का मोबाइल भी है ये। और फातिमा की एक आंटी ने भी रिक्वेस्ट की है। फातिमा आपकी एक आंटी है, उनका नाम है आंटी आसमा, तो आपने उनके लिए दुआ करनी है। बोलो अल्लाह ताला कल दुआ करो। फातिमा दुआ करो, बोलो अल्लाह ताला। अल्लाह ताला आंटी आसमा को मोबाइल दे। फिर उठा दूंगी, पहले दुआ मांगो। अल्लाह ताला आंटी आसमा को, आंटी आफ्चा को प्यारा सा पाला सा बेटा दे, बेटा दे और परेशानियां दूर करे, परेशानियां दूर कर। आमीन आमीन सुमामीन सुमामीन। चलो जी चलो फातिमा अंदर चले, इधर गर्मी बहुत हो गई है, लाइट आ गई अंदर, अब हम अंदर। तो जी आंटी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजे और जो भी कोई आपकी परेशानियां हैं अल्लाह पाक वो दूर फरमाए, आमीन सुमामीन। हमारे देखने वाले जितने भी बे औलाद है अल्लाह पाक सबको इस नेमत से नवाजे, आमीन सुमामीन। चलो फातिमा चलो अब हम खाना खाएं, अंदर लाइट आ गई है, उठो चलो चल अंदर रोटी खाएं। तो जी अभी हम सारे आ गए अंदर क्योंकि पंखा चल रहा है, लाइट आ गई है, पहले नहीं थी, बहुत ज्यादा गर्मी बन गई थी इधर क्योंकि सामने सारे दरख्त है ना तो हवा ज्यादा अंदर नहीं आती, और माशाल्लाह से रात को इधर गोबर लगाया था तो अब मट्टी भी नहीं उड़ती, काफी अच्छा हो गया ये अब हमारा सीन। और अभी अम्मी जी अंदर गई हैं पानी लेने के लिए, फिर हम बनाएंगे लस्सी। लस्सी हमारी इधर पड़ी है और पानी वाला कड़ा भी पड़ा है, ये गर्म है पानी, तो अभी हम फ्रिज से पानी ला कर लस्सी बनाएंगे और सबको फिर खाना देंगे। फातिमा क्या पी रही हो? पानी। लस्सी पी लेना ठंडी, ठीक है? और पानी पिया ठीक है।
ये अभी हम बना रहे हैं मीठी लस्सी, साथ में तंदूर की रोटी है और ये ठंडी ठंडी साथ में हम लस्सी बनाएंगे। सब इसके साथ शौक से खाना खाते हैं दोपहर का। ये अभी फातिमा और भाई को रोटी मिल गई है। फातिमा फातिमा अपने पांव ऊपर कर, पांव ऊपर कर। फातिमा अभी मेरे साथ फातिमा की लस्सी, फातिमा को लस्सी मिल गई, मुझे भी मिल गई, खाना मिल गया। अगर किसी ने खाना है तो हमारे साथ आके खा सकते हैं। हम दोपहर का भी खाना खा रहे हैं जी, लस्सी के साथ फातिमा और मैं मिल के, और साथ में तंदूर की वो भी मक्खन वाली रोटी। सुबह सुबह हम बना कर रख लेते हैं तो ये सारा दिन फिर ताजी रहती है, आसानी से खा सकते हैं इसको किसी भी टाइम। तो अभी ये मेरी लस्सी आ गई और रोटी भी अभी मैं भी खाने लगी हूँ। अगर आप सबने में से भी किसी ने खाना है तो मोस्ट वेलकम हमारे पास आकर खा सकते हैं। ताया अबू और अबू जी ने अभी खा लिया है, वो मवेशियों को देखने चले गए हैं, उनको भी चारा डालेंगे क्योंकि दोपहर का टाइम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमने खाना खा लिया है। अभी खाना खा के मैंने बर्तन धोए, ये फातिमा के एक चूड़ा रह गया था वो अभी मैं धो रही हूँ। इधर ही दरख्तों में पानी भर लिया था ठंडा ठंडा, अब फिर लाइट चली गई है और फातिमा ने भी मेरे बाद ये धोने हैं। फातिमा क्या धोना है आपने? खिडौने धोने ने। फातिमा मुझे देखती है ना मैं बर्तन साफ करती हूँ तो ये भी अपने छोटे छोटे बर्तन लेके आई, कहती मैंने भी धोने। इधर टब में ना भी लेगी और अपना काम भी कर लेगी, गर्मी बहुत है इसमें ना भी लेना फातिमा, ठीक है? हाँ, फातिमा को मैंने आज नए कपड़े पहनाए थे और सारे अभी खराब किए हुए, बार बार नहाती रहती है फातिमा, गर्मी लगती है इसको। ये मैंने इसका एक पक्का सूट सिलाई किया ताकि ये फटे ना, ये नहाती है ना इनके सुनाती। खराब होया खड़ा है, चल नहा ले फिर मैं तेन कपड़े बदलावांगी, ठीक है? फातिमा की एक और आंटी है, उन्होंने कहा था कि भाई जी, फातिमा की एक और आंटी है और मेरी प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है इफ्रा सिस्टर, तो उनके लिए भी फातिमा दुआ करनी है। इधर आओ, फिर मैंने आपको बर्तन नहीं धोने देने, पहले मेरी बात मानो फातिमा, चलो आओ इधर बोलो अल्लाह ताला, अल्लाह ताला आंटी इफ्रा को, आंटी इफ्रा को प्यारा सा पाला था और नन्ना सा बेटा दे आमीन आमीन, और आंटी को भी अल्लाह पाक सेहत दे और हमेशा खुश रहे, आमीन आमीन सुमा आमीन। तो जी सिस्टर, मेरी भी अल्लाह पाक से यही दुआ है, मैं भी नमाज पढ़ के आपके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह आपको भी सेहत दे और आपके बच्चे को भी, और आप हमेशा खुश रहें, आमीन सुमा आमीन। ना लो फातिमा, मैं बर्तन धोऊंगा। फातिमा अभी बर्तन धो रही है, ये क्या चीज है? काका। फातिमा अभी अपने बर्तन धो रही है जी, ये देखिए, इसको ना नहीं लाओ इसको सर्दी हो जाएगी। खिडौने नवा ले, चलो ये देखें जी, ये क्या चीज है? खिडौना। इस सेम को भी गोबर लगाया और माशाल्लाह से सारी मट्टी अब बैठ गई, कितना अच्छा लग रहा है ना, सफाई से ही हर चीज होती है। पहले काफी दिन हो गए थे हमने इसको गोबर नहीं लगाया था, बारिशें बहुत ज्यादा हो रही थी इस वजह से, वरना हम तो बार बार लगाते रहते हैं। कच्चा हमारा घर है तो इसकी लिपाई ना करें तो फिर ये खूबसूरत नहीं लगता। और इधर अभी हमने नई आग जलाई क्योंकि शाम को जलाएंगे और आज इंशाल्लाह मम्मी जी से कहूंगी कि वो वाला चूल्हा भी सही करके दें, काफी दिन हो गए हमने उधर भी आग नहीं जलाई। ज्यादा हम ना हांडी नहीं बनाते गर्मियों में, ज्यादा हम दूध और लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, सादा से लोग हैं तो सादा ही चीजें खाते हैं। सालन तो इतना ज्यादा गर्म होता है और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है तो बंदे की हालत खराब हो जाती है। तो अभी मैं ये दाने इकट्ठे करने लग गई हूँ, हम तो इसको अपनी जबान में दाने बोलते हैं, इसमें से चावल निकलते हैं। ये बच गए थे, हमने 20 डाला था तो ये बच गए थोड़े से, ये हम इसको खुश करवा के अब इसमें से चावल निकलवाएंगे,
क्योंकि माशाल्लाह से आगे कुर्बानी का गोश्त भी होगा, तो चावल हम बनाएंगे, घर के हमारे चावल होंगे और घर का ही गोश्त। अभी इनको इकट्ठा करके इधर ही मैं रखूंगी, बोरी में नहीं डालेंगे आज, क्योंकि इनको अभी और धूप की जरूरत है। कल फिर हम इसको ऐसे ही बिखेर देंगे। और फातिमा क्या कर रही है? चावल खाऊं? नहीं, अभी नहीं खाने, ये मुंह में लग जाते हैं फातिमा। जब इसमें से चावल निकल आएंगे ना, तब आप खा लेना। इधर इधर फेंक। चलो फातिमा अभी मिट्टी में खेल रही। फातिमा को बहुत मना कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना मिट्टी में बहुत ज्यादा खेलती है, तो बच्चे फिर मिट्टी में कभी कभी ये फिर नहीं कहना मानती। फातिमा मन रहने दो, मिट्टी में ना खेलो। नहीं हैं? नहीं, मिट्टी में क्यों खेलती हो? तो जी अभी मैंने घर के छोटे मोटे काम खत्म कर लिए हैं। अभी मैं लगा रही हूँ बटन अपने सूट को। ये मैंने आज सिलाई कर लिया है, आप सबको दिखाती हूँ। फ्रॉक सिलाई की है और नीचे पजामा, और माशाल्लाह से कितनी अच्छी सिलाई हुई है। आप सब भी बताइएगा कि कैसी लग रही है। अभी इधर दो तनिया लगानी है, वो मैंने अभी बनानी है। पहले मैं खाना खाने लग गई थी और थोड़ी देर सो गई थी, थक गई थी इस वजह से। और ये बाजू बिल्कुल सादे से बनाए हैं और नीचे भी काफ़ी लंबी बनाई है, क्योंकि जो भी मैं फ्रॉक सिलाई करती हूँ ना, मुझे छोटी हो जाती है। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि थोड़ी सी लंबी सिलाई करती हूँ। ये इसके मैंने पोंचे बनाए हैं, इसको अभी बटन लगा लिए और इस पोंचे को रहते हैं, वो अभी मैं लगाती हूँ। इसको फ्रॉक को अभी तय लगा के रख देती हूँ, बटन लगा लूँ पहले, उसके बाद फिर इसकी तनिया भी बनाऊँगी। और अंदर लाइट अब फिर नहीं है, मैं बाहर आ गई हूँ। बाहर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, सेका बना हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आएगी या आंधी आएगा। सुई कहाँ चली गई? अभी मैंने इधर रखी थी, उसमें धागा डाल के। चलो आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी हो रही। जी प्यारे व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फातिमा तो अभी उधर मट्टी में खेल रही है, मैंने उसको सामने मट्टी में खेल रही, इतना रोका भी है फिर भी कहना नहीं मान रही। चलो मैंने कहा थोड़ी देर खेल ले, उसके बाद फिर उसको शाम को मैं नहला दूंगी। ये पड़ी सुई मिल गई।